यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अब तक एक साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के क्रामटोर्स्क शहर की एक रिहायशी इमारत पर रूस ने मिसाइल के जरिए हमला कर दिया। इसके चलते बिल्डिंग के 8 अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हैं। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को NI पॉडकास्ट पर दिए इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसमें BJP के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया है। PM की संसद के स्पीच पर जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, यह मेरा अपमान है। राहुल ने कहा कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद मोदी ये नहीं समझते हैं। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे मनाने की अपील पर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने बंगाल विधानसभा में कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सींग मार दे तो क्या होगा। ममता तंज कसते हुए कहा, मुझे इस साहसिक काम को करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा को इससे पहले गाय को गले लगाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे पर सोमवार देर रात SUV ने 17 महिलाओं को कुचल दिया। 5 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 12 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, इनका इलाज किया जा रहा है। पुणे शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर सिरोली गांव के पास की यह घटना है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है, नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 74 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 93 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,77,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। भारत के अडानी ग्रुप ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे को खारिज करने के लिए कुछ कंपनियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस मामले में परिचित 2 लोगों के हवाले से यह बात कही गई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे आरोप लगाए थे। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 266वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेंसेक्स 231.10 अंक यानी कि 0.38% बढ़कर 60,662.94 के स्तर पर खुला।